अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मुना अज़र। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है पोटैटो हाफ मून, और ये रमज़ान में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, और 1 कप से कम लेंगे हम वाटर। साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा वाटर से। हमें इसको इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से गुन जाए, ताकि हम इसके क्रिस्पी से हाफ मून बना सकें। ये लीजिए, मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये गुन के, और इसको हम रख देंगे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए और हमारे जो हैं वो हाफ मून क्रिस्पी बने। और दूसरी तरफ मैंने आलू जो हैं वो बॉईल कर ली हैं। 4 अदद मैंने आलू लिए थे और इनको अच्छे से बॉईल किया है और मैश कर लिया है। और 1 अदद ली है हरी मिर्च, 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया। इनको हम उबले हुए आलू जो मैश किए हैं उनमें ऐड कर देंगे, और साथ में हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो आप हसब ज़रूरत ऐड कीजिए, आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए आप खुद ही चेक कर सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून लेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही लेंगे हम कुटी हुई सुरख मिर्च, और 1/2 टीस्पून ही लेंगे हम ब्लैक पेपर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ की मदद से या स्पून की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि ये एक जैसा सॉफ्ट हो सके और मसाला जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो सके। उसके बाद हम बनाएंगे, इनको शेप देंगे, और उतनी देर में हमारे 30 मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो आलू का मिक्सर जो है वो फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको शेप देते हैं। चलिए, तो ये देखिए फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। ये आफ्टर 30 मिनट्स मैंने ये पेड़ा किया है, इसको हाथ की मदद से आप इसको गोल कीजिए और जिस किसी शेप में आप देना चाहते हैं उस तरह की शेप दे दीजिए। अभी जो है वो मैं मून की शेप दूंगी और साथ में समोसे की शेप दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह इसको आप गोल कीजिए, और बारीक हम इसको रोटी की तरह जो है वो बेल लेंगे और इसको हम शेप दे देंगे। हाफ मून जो है वो आप किसी भी गोल चीज़ से आप उसको गोल करके और उसको कवर कर देंगे तो हाफ मून की शेप हो जाएगी। वो मेरी जो वीडियो है वो जो है वो सेव नहीं हो सकी, तो इसलिए मैं जो ये पैटिस की समोसे की शेप है वो आपको बता रही हूँ। इस तरह आपने कटिंग कर लेना है सेंटर से, और इसको फिलिंग करके इस तरह आपने इसको कवर कर देना है। और ये देखिए, समोसे की शेप जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और ऑयल जो है वो मैंने दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अफ्तारी में जो है वो टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए जल्दी से ये मैंने ऑयल रखा है। और इसलिए ये हाफ मून की जो शेप मैंने पहले से तैयार करके रखी थी वो मैं फ्राई करने वाली हूँ। आप लो फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिए, ताकि ये क्रिस्पी बने। अगर किसी ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा, और मेरी रेसिपी ट्राई करें तो बताइएगा कि कैसी लगी आपको। ये देखिए, फ्राई हो रहे हैं, इसकी हम 1 बाय 1 जो है वो साइड चेंज कर देंगे। ये मैंने समोसे की जो शेप बना के आपके सामने दिखाई थी वो फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैंने ये हाफ मून ही ट्राई किए हैं। ये रेसिपी जो है वो मैं पहले भी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं क्रिस्पी से। रमज़ान में ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खाएं, और आप लोगों को चाहिए कि आप उनको घर में बना के दें, ताकि उनकी सेहत पे कोई असर ना पड़े और बहुत ही ज़बरदस्त आपको टेस्ट आएगा। ये लीजिए, हम इसकी साइड जो है 1 बाय 1 चेंज कर देंगे। Thank you.
फ्राई हमारे जो है वो हो चुके हैं हाफ मून, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।